दोस्तों वेलकम अगेन टू अवर सेकंड वीडियो। मैं हूं एडी गोट फार्म पे दानिश भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले वीडियो में हमने एक एवरेज वेट के बच्चे दिखाए और ये वीडियो में हम दिखाएंगे आपके बड़े बकरे जी माशा जो आपने खुद तैयार किए। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर है अपने पास, ये ईद के पहले से अपने पास है। ठीक है इंशाल्लाह एक एक करके दिखा दे। अरे को ये आ रहा है, ये भी देना है क्या? नहीं भाई ये नहीं देना है ना। नहीं माशाल्लाह दानिश भाई जबरदस्त तैयारी है, दिल खुश हो गया भाई। पहले ही जोड़ी में दोनों बरबरे में आएंगे। बरबरे में एक माँ के बच्चे है भाई दोनों। देखो अल्लाह की कुदरत देखो, एक मुंडे में और एक सिंह में आया है। क्या बात है। दांतों में कितने भाई? भाई ये चार चार दांत पे रहेंगे। चार चार दांत पे, चार चार दांत पर रहेंगे। और वेट की चार चार दांत पे, एक बार मैं बोलता दांत देख लेते। दांत देख, मुंडा चार दांत पे, मुंडा चार दांत पर है, उसने छट्टा जस्ट लगाया है। मैं एक एक करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो में सही जस्टिफाई नहीं हो रहे। ठीक है भाई, ठीक है ठीक। पहले इसको दिखा दो, ये सिंह वाले को दिखाओ सबसे पहले। चलो थोड़ा दानिश भाई उधर लो, उसको पीछे लो क्योंकि थोड़ा खड़े रह के दिखाओ जरा उसको चला के। ये देखो माशाल्लाह तैयारी देखो, ये एडी गोट फार्म की तैयारी है। दानिश भाई ये कितने टाइम से अपने पास? ये अपने पास लगभग चार महीने से। चार महीने से अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इसका क्या मंथली क्या वेट गेन ले रहा है ये? देखो भाई बरबरी शॉर्ट बॉडी शॉर्ट फ्रेम में रहती है, लेकिन अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग 52 से 55 किलो के बीच में तुलेंगे इन लोग। नहीं नहीं कितना गेन? एवरेज ये आए थे अपने पास 35-40 किलो पर आए थे भाई, तो एक एवरेज पकड़ लो ना चार महीने के हिसाब से 4-4 किलो का है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह जबरदस्त। ये है छह दांत पे, ये छह दांत पे छट्टा जस्ट लगाया है, छट्टा जस्ट लगाया है। और ये है, ये है चार दांत पर भाई। ये तो अभी से बगली बगली बना दे रहा है, देखो ना। देखो माशाल्लाह क्या बात है, दोनों भी खस्सी है, दोनों भी खस्सी है, एक माँ के बच्चे है दोनों। पूरा फुटबॉल है एकदम एकदम। वजन कितना है? ये वही सेम वेट पे रहेंगे, 52 से 55 किलो के बीच में दोनों तुलेंगे एक एक। 52 से 55 किलो जी। और क्या रेट मांग रहे भाई? भाई इसका अपन मांग रहे है ऐसे तो जोड़ी का 70 मांग रहे, सिंगल सिंगल 35-35 में, लेकिन कोई जोड़ी लेता है तो अपन 65 में फाइनल दे देंगे भाई। 65 में जोड़ी देंगे जी, 65 में जोड़ी दे देंगे। ये मुंडा है जो एक चार दांत पे, ये चार दांत पर है। और कोई लेकर रखते तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ के पूरे सेट बकरे, पूरे सेट है भाई। 4-4.5 महीना हो गया लगभग ये अपने पास है, ये ईद के पहले से आए हुए अपने पास। जबरदस्त माशाल्लाह दानिश भाई, खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चा। नस्ल में कौन सा आएगा दानिश भाई? ये नस्ल में गुजरी पकड़ो इसको भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज है। ये अपने कुर्बानी के लॉट में आया था तो भाई इसकी खूबसूरती की वजह से अपन ने इसको रुका दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और उस वक्त वो दांत भी नहीं किया था कुर्बानी के टाइम। अभी कितने दांतों पे? दो दांत पर है भाई, देख लो आप। ठीक है दो दांत पर है भाई। वजन में कितना भाई? वजन में ये रहेगा लगभग 55-60 के बीच में रहेगा भाई। हाइट क्या है इसकी? हाइट इसकी रहेंगी 36। भाई ये कलर को क्या बोलेंगे दानिश भाई? कलर देखो ना, ये कलर के लिए ही अपुन ने रुका दिए भाई इसको। ये बहुत माशाल्लाह कलर, उसके कान वगैरह देखो ना। वो बाजू से दिखाओ थोड़ा, इसको चला के दिखाओ। दो दांत पे है ना भाई? दो दांत पर है भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। माशाल्लाह एडी गोट फार्म का पलाई का रिजल्ट भी अच्छा है, जबरदस्त। बहुत अच्छा फार्म है और यहाँ पे पलाई पे दो भाई, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। खस्सी बकरे अंडों बकरे बहुत अच्छे, दो नगीने इनके पास है जो वीडियो में दिखाने के नहीं है। वो वीडियो में दिखा देंगे ना, तो मेरे को लग रहा है अभी तक तो यहाँ पे पब्लिक सिर्फ देखने आएंगे, हकीकत में देखने के लिए आएंगे। वैसे है ही चीज माशाल्लाह। दानिश भाई इसका रेट बताएंगे आप? इसका रेट अभी मैं इंशाल्लाह कॉल पर रहेंगे, कॉल पर बताएंगे। ज्यादा कॉस्टली है क्या? नहीं नहीं कॉस्टली नहीं है। कैसा है ना देखो, ये कुर्बानी के लॉट में आया था मेरे बेचने का, लेकिन अपन ने बेचे नहीं थे तो ये समझो ना अपन 550 के वेट से तोल कर दे देंगे। तो ठीक है ना, बता देते, उससे कैसे पब्लिक को एक समझने में आसानी रहती है ना। तो ठीक है भाई, 550 के रेट से अपन तोल कर दे देंगे। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दानिश भाई कितने दांतों पे? दो दांत भाई, क्या बात है। और हाइट में कितना है? हाइट में 37-37.5 रहेगा भाई, 37-38 के बीच में रहेगा भाई। तो दानिश भाई क्या बोले आपने, हाइट 37.5 नापी हुई नहीं है, किसी को चाहिए तो नपा के वीडियो मिल जाएगी। वेट कितना है भाई? भाई 70 किलो पर है। 70 किलो दो दांत पे, दो दांत पर भाई। अच्छा बच्चा है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, पूरा है, साफ सुथरा है, थोड़ा चला के दिखाओ। प्योर सोजत बोलते ना भाई, ये वो है देखो। ये अंडुल में खस्सी है? नहीं नहीं खस्सी है भाई, खस्सी है ना, खस्सी जो लास्ट टाइम पे दिखा है वो भी खस्सी है। ये बाड़े में पूरे खस्सी है भाई जी। तो ये क्या रेट में देंगे दानिश भाई? भाई कल्फ्टी वही रेट 550 के रेट से देंगे। हाँ
दानिश भाई माशाल्लाह दानिश भाई, दिल खुश हो गया देख। सब कलर के राजा एक से एक। जी जी भाई, एक एक चुन कर लाए हुए बकरे है अभिम भाई, आप देख सकते हो। इसको आप पैटर्न देखो, ये साइड से देखे जी, मैं इसको घुमा करके दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह, गुलाबी बच्चा, गुलाबी बच्चा है। दांतों में कितना रानी जी? चौथा जस्ट लगाया है भाई, चौथा लगाया है। वजन में, वजन में ये रहेगा ना 52 से 55 के बीच में पकड़ो। अपन 2-4 किलो कम ही बोल रहे हैं भाई, काटा है जिसको चाहिए अपन पूरी डिटेल इन डिटेल दे देंगे। हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट रहेंगी 36। ये शॉर्ट हाइट में जो गुजरी, शॉर्ट हाइट में गुजरी होते ना भाई, ये फुटबॉल बन जाएंगे भाई, फुटबॉल बन जाएंगे। इसका भी क्या रेट रहेगा? 550 भाई, 550 से रहेंगे। क्या बात है, छोड़ो इसको, पैर देखो कितने मोटे इसके, सब सिलेक्टेड बच्चे। ये दिखाए थे ना लास्ट, इसके लास्ट दिखाए थे ना, इसके पहले यही दिखाए थे। वाह खूबसूरत माशाल्लाह, क्या बात है दानिश भाई, वाह। ये भी गुजरी में आएगा? नहीं भाई, ये सोजत और मेवाती में क्रॉस पकड़ लो ना बच्चा, सोजत मेवाती क्रॉस। हाँ माशाल्लाह, वो बाजू का कलर पैटर्न दिखा तो दिखा रहे, इसके पैर देखो पहले कितने मोटे हैं माशाल्लाह, वाह खूबसूरत बच्चा। दानिश भाई ये क्या डिटेल है इसकी? जस्ट एक दांत लगाया है। क्या बात कर रहे हैं, जस्ट एक दांत लगाया है, दिखाओ जरा 2 मिनट। हाँ भाई एक दांत लगाया है, एक दांत, वो भी पूरा नहीं निकाला है, खाली जस्ट फोड़ा है दांत उसने। वजन में कितना है भाई? ये वही 52 से 55 किलो के बीच में है। 52 से 55 किलो। बच्चे में शाइनिंग बहुत गजब किया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मस्त है, अच्छी तैयारी है। 52 से 55 किलो वजन है, 52 से 55 किलो। और अभी तो अदंती पकड़ेंगे, अदंती पकड़ेंगे भाई, जस्ट एक दांत उसने किया है जी। तो इसको क्या रेट में देंगे दानिश भाई? 550 भाई, 550 के हिसाब से। ठीक है दानिश भाई, ये जो 100 क्रॉस करेंगे बच्चे भाई? ये बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले जो व्हाइट मुंडा दिखाया था वो करेंगे, वो सब, वो ये सब क्या वेट टच है इत तक, ये सब अपन लोग इसको 75-80 के रेंज में पकड़ेंगे ना। अच्छा हाँ सही, कैसा है ना भाई, ये बच्चे ऐसे है ना, जाने के लिए इन लोग 90-100 तक आराम से चले जाएंगे, लेकिन अपने को 2-5 किलो कम ही बताने का है, इंशाल्लाह अपना रिजल्ट बोलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह दानिश भाई, लास्ट में देख रहे अजमेरा, अजमेरा ये लास्ट बच्चा, ये लास्ट बच्चा है। ये क्या डिटेल पे भाई? भाई ये अदंत है बच्चा, अदंत है, अदंत है बच्चा, देखा मैंने भी। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त, अच्छा बच्चा है। हाइट में कितना है भाई? हाइट में रहेगा 37-38 रहेगा। और क्या वजन है इसका? ये 60 किलो है, 60 किलो, 60 किलो अपना किया हुआ है, अदंत में 60 किलो, अदंत में 60 किलो रखता है, बहुत वैल्यू रखता है भाई, और एकदम लंबी फ्रेम का बच्चा है, लंबी फ्रेम का बकरा है ये, तो अभी अदंत है, इसका फ्यूचर क्या बनेगा भाई? भाई कोई इंशाल्लाह इसको पाले, गला पट्टी झालर पट्टी थोड़ा चला के दिखाओ, वही बाजू में थोड़ा चला उसको भाई, कोई सामने से देख लेना, मोबाइल में जस्टिफाई नहीं हो रहा, इतना बड़ा बकरा है, बहुत बड़ा बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है, अदंत में यार, अदंत में, अदंत में 60 किलो, क्या बात है। ये भी वही रेट से देंगे आप कि इसका अलग रेट रहेगा? इसका रेट कॉल पर रहेगा भाई, इसका कॉल पे रहेगा, इसका कॉल पर रहेगा। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, ये कस्टमर का बकरा था, लेकिन उन्होंने बोले उनको निकालना है, तो जो भी रहेगा मैं उनसे पूछ करके बता दूंगा। ये पलाई पर है अपने पास, मैं तो बोलता हूँ कोई खरीद के अपने पास ही पलाई पर, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बताएंगे। दानिश भाई ये सब जितने भी बकरे देखे क्या पलाई रहेंगे इनकी? ये सब बकरों की 3000 के ऊपर, 50 किलो के ऊपर वाले 3000 नहीं, अपने पास बड़े बकरे भी है जो एक 85-90 क्रॉस कर देते ना, उनकी मैं 3500 लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि भाई तुमको भी मालूम है वजन बढ़ने के बाद एक टाइम के बाद उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते, खुराक देनी पड़ती है, इस वजह से। आपका मोबाइल नंबर बोलो दानिश भाई। 7977942010। किसी को देखना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? ये उत्तन चौक UTNC रिसोर्ट गूगल मैप पर डाल सकते हैं, वहाँ के मुझे कॉल करो, वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। सही है, और बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है। हाँ बहुत अच्छा व्यू है, एकदम हिल स्टेशन है एक तरीके का, पूरा समंदर दिखता है जमीन से अपन लगभग। पहले के वीडियो में दिखाए थे हमने आसिम भाई। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।